अब किसका इस्तीफा मांगे? शरद पवार साहब का इस्तीफा मांगेंगे आज की घटना के लिए, ममता बनर्जी का मांगेंगे, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं, या जो बाइडेन का मांगेंगे? कौन लेगा आज की जिम्मेदारी? जो बिगड़ा है उसके लिए अहंकार सरकार का जिम्मेदार है। इस प्रकार का आज जो माहौल है, एक साल पहले शाहीन बाग के बारे में हुआ था, आज किसानों का आंदोलन है। तो किसानों की बात अगर आप नहीं मानते तो आप लोकतंत्र की बात कैसे मान सकते हो? ये क्या ये लोकतंत्र है? रामसाहब ने योगी पुलिस को ये आश्वस्त किया था, उसके बाद उनको ये परमिशन मिली है। आश्वस्त किया जाता है, जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था, आंदोलनकारी होते हैं। जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया था। वहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर था और यहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर था। जो दिल्ली में आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूं, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूं। आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश नहीं तो पूरा विश्व आज दिल्ली के राजपथ पर जो हमारा देश का एक शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी राज्यों के रथ यहां वहां आते हैं, चित्र रथ आते हैं, झांकियां आती हैं, आर्मी की ताकत दिखती है, हमारी प्रधानमंत्री पूरी सरकार वहां मौजूद रहती है। लेकिन सुबह हमने चित्र देखा था ये, लेकिन दोपहर के बाद पूरे विश्व ने दिल्ली के सड़क पर जो नजारा देखा है, वो ना आंदोलनकारियों को शोभा देता है ना सरकार को शोभा देता है। दो महीने से बहुत ही संयम और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है। पूरे विश्व में उसके लिए जो बातें मैं सुन रहा था कि इस प्रकार का एक शिस्तबद्ध आंदोलन पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ था, किसानों का आंदोलन। और अचानक से आज क्या हुआ कि संयम का बांध टूट गया और किसान सीधे दिल्ली राजधानी में घुस गए, लाल किले के प्राचीर पर घुस गए, सड़क पर आ गए, हिंसा फैल गई। इस प्रकार की अराजकता क्यों फैली ये सवाल है। और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इसी घटना का या इसी दिन का इंतजार कर रही थी? अगर सरकार को मालूम था कि किसानों का सब्र का बांध टूटने वाला है तो यह सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि कुछ ना कुछ हल निकाले और आज की ट्रैक्टर रैली जो है वो रोक दे, किसान अपने घर जाए। सवाल है तीन कृषि विरोधी कानून का। हमारा सवाल है, बालासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कानून किसके लिए, व्यक्ति के लिए कानून है या कानून व्यक्ति के लिए? अगर जिसके लिए कानून बनाया है वो लोग ही खुश नहीं है तो कानून की जरूरत क्या है? शरद पवार जैसे बड़े नेता, जो किसानों के नेता है, कृषि क्षेत्र के जानकार है, पवार साहब ने भी कल कहा है इस कानून के बारे में, बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं कानून के बारे में, आप उनकी बात नहीं मानते तो ये कानून किसके लिए बना है जो आज दिल्ली के सड़क पर जो अराजकता फैली है, इस प्रकार की अराजकता फैले, पंजाब अशांत हो जाए, पंजाब वालों को खलिस्तानी कहे, अतिरेकी कहे और एक बहुत बड़ा वहां माहौल भड़क जाए, क्या ये कोई साजिश है? लाल किले पे जो हुआ है उसका कंडेम, उसकी निर्वस्त ना उसकी निंदा शिवसेना करती है। आज के दिन नहीं होना था, किसान आंदोलन को धब्बा लगा है ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी नहीं है,
सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती है, किसी और राज्य में हो जाता तो सरकार का इस्तीफा मांगा जाता। आज जो कानून व्यवस्था खत्म हो गई दिल्ली में कुछ समय के लिए, आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो सरकार के लोग और जिस पार्टी की सरकार है उनके नेता अब किसका इस्तीफा मांगे? शरद पवार साहब का इस्तीफा मांगेंगे आज की घटना के लिए, ममता बनर्जी का मांगेंगे, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं, या जो बाइडेन का मांगेंगे? कौन लेगा आज की जिम्मेदारी? मुझे लगता है जो हुआ है दिल्ली में उसकी निंदा तो करनी चाहिए, लेकिन माहौल जो बिगड़ा है उसके लिए अहंकार सरकार का जिम्मेदार है, अहंकार। और इस प्रकार की घटना जो हुई है, दिल्ली का जो माहौल है उससे पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए इस मामले में हम सरकार से अपील करेंगे और सरकार को पूरा सहयोग भी देंगे कि परिस्थिति नियंत्रण में लाइए। आपने कल देखा होगा महाराष्ट्र में हजारों किसान आए, हजारों किसान मुंबई में आए, लेकिन माहौल बिगड़ने नहीं दिया। सबने पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, लेकिन सरकार का भी एक डिसिप्लिन होती है। हमने किसानों की मांगों को पूरा समर्थन दिया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बिगड़ने दिया। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, चाहे दिल्ली की हो चाहे राज्यों की। चलो लेकिन आपने क्या सर कि आप अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं सर, आप क्या जो मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने कहा कि अगर दिल्ली में आज किसी और पार्टी की सरकार होती तो जरूर इस्तीफा मांगा जाता। सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगा जाता, उद्धव ठाकरे जी का मांगा जाता, शरद पवार साहब का भी मांगते थे लोग, आप भी मांग सकते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है आज की घटना को? अब देखिए सर, कौन लगता है आपको जिम्मेदार? लेकिन मतलब दिल्ली में तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे में आपको लगता है कि जिम्मेदारी तो तय होगी? किसानों की बात माननी चाहिए अभी, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आपको इस देश का माहौल आपको खराब करना है, इस देश में असंतता आप निर्माण करना चाहते हो, आप इमरजेंसी जैसे माहौल जानबूझकर बनाना चाहते हो। कौन लोग इसके ऊपर कह रहे हैं? इस प्रकार का आज जो माहौल है, एक साल पहले शाहीन बाग के बारे में हुआ था, आज किसानों का आंदोलन है, बार बार ऐसा माहौल देश में अगर बनता है तो इस देश के लोकतंत्र को मैं मानता हूं बहुत बड़ा खतरा है। लाखों किसानों की बात अगर आप नहीं मानते तो आप लोकतंत्र की बात कैसे मान सकते हो? ये क्या ये लोकतंत्र है? लाखों किसानों की आवाज को सुन लो आप सर, लेकिन किसानों ने आश्वस्त किया था कि कोई हिंसा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, पुलिस को ये आश्वस्त किया था, उसके बाद उनको ये परमिशन मिली है। आश्वस्त किया जाता है, जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था, आंदोलनकारी होते हैं। जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने पुलिस को आश्वस्त किया था। वहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर था और यहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर है। आपको क्या लगता है इंटेलिजेंस होम डिपार्टमेंट के पास आता है? आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? भाई ये नहीं, आप नाम क्यों ले रहे हैं? राउत साहब, पुलिस के साथ या सरकार के साथ धोखा हुआ ऐसे नहीं लगता? किसान अगर आश्वस्त करते हैं, मैं यही के बाद मैं भी यही कहता हूं कि सरकार को अगर आश्वस्त किया था तो किसान नेता जो है उसने अपना जो शब्द है वो मेंटेन करना चाहिए था। जो बात किसान नेताओं ने सरकार को बताई थी, आश्वस्त किया था और नहीं हुआ है, और दिल्ली का जो आज माहौल बिगड़ गया है उसके लिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से, सिर्फ किसानों की नहीं है। सरकार एक ऐसी संस्था है जिनके पास पूरी यंत्रणा है, एजेंसी है, ताकत है, बल है, आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ है, उसके बावजूद किसान दिल्ली में घुस गए।
उसके बावजूद किसान लाल किले के प्राचीर पर घुस गए, उसके बावजूद किसानों ने तिरंगों का हाथ लगाया है, उसके बावजूद किसानों ने हिंसाचार किया है। तो ये तो कानून व्यवस्था का ही सवाल देश के राजधानी में उठा है। मुझे लगता है ये बात अब है, ठीक है, और भी मुझे लगता है मैंने सुना है शरद पवार साहब भी बात करने वाले हैं। लेकिन राहुल साहब अब शिवसेना इन किसानों के साथ है इस आंदोलन के बाद या नहीं, जो आपका समर्थन है? बात ऐसी है, शिवसेना किसानों की जो मांग है, जो मांगे है, जो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उसके साथ हमेशा अच्छी और रहेगी। लेकिन आज की घटना का हमने निंदा भी की। आज की घटना देश के राजधानी में जो हुई है उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। किसानों के जो संगठन है उसने भी उसकी निंदा की है और करनी भी चाहिए। आज का दिन जो है वो देश का गौरव का दिन है। आज के दिन हमें संविधान मिला है और हमारे सामने लाल किले पर उस संविधान की आप हमारे आंखों से अगर हम धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही दुखद और वेदनादायक घटना है। और खास करके जवान और किसान जो इस देश के प्रमुख स्तंभ है, हमारे आधार है, वो इस प्रकार के अगर अस्वस्थ हो गए तो ये देश कैसे आगे जाएगा।